Hey, what's up guys, this is Rahul and you are watching Indian Tech YouTube channel. So dosto, finally GTA 4 game hamare Android platform mein aa hi gaye. Streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking but there's no time for me. I've been flying from town to town. सो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी को बताने वाला हूँ कि इसका लॉन्च डेट क्या है और उसी के साथ आपके फ़ोन में इस गेम को GTA 4 गेम को चलाने के लिए आपके फ़ोन में क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, कितने जीबी रैम चाहिए और उसके साथ कौन से प्रोसेसर चाहिए, वो सभी मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और उसी के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट GTA 4 का कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद आपने अभी तक किसी से भी नहीं सुना होगा और किसी कोई भी आपको नहीं बताता है, तो ये सभी के बारे में बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सो इस वीडियो को बिल्कुल फास्ट से एंड तक देखिए। अगर आप एक गेम लवर है और आप अगर GTA 4 गेम को खेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल फास्ट से एंड तक देखिए। लेकिन सबसे पहले अपने अगर हमारे चैनल का अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर से इनेबल करें। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपको GTA 4 गेम का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो स्क्रीनशॉट है इसमें आप देख सकते हैं ये GTA 3 गेम का है, ठीक है ना। तो ये GTA 3 गेम का आप नीचे के साइड में देखो इसका जो इंजन है, इंजन जो लिखा है उसके साइड में देखो इसका जो इंजन है वो क्या है, देखो रेंडर वायर। मतलब इस गेम का जो इंजन है वो रेंडर वायर है और ये रेंडर वायर जो गेम है ये एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है। और अभी मैं आपको जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये है रेंडर वायर का। तो इसका रेंडर वायर का देखो स्पेसिफिकेशन देखो, इसमें देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये करीब देखो 25 साल पहले ये लॉन्च हुआ था और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं और साथ में देखो लास्ट में देखो एंड्रॉयड का भी सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो GTA 3 गेम है वो पॉसिबल हो पाए हमारे एंड्रॉयड में आने के लिए। तो अभी हम जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इसमें देखो GTA 4 का जो इंजन है वो है रेज, RAGE। तो ये इसका इंजन है और इस रेज जो इंजन है ये जो रॉकस्टार है गेम, रॉकस्टार गेम जो है जो GTA का जो ऑनर है जो रॉकस्टार वो खुद ही इसको लॉन्च किया है। मतलब आप रॉकस्टार ने खुद का ही इंजन से आप GTA 4 और GTA 5 ये दोनों को चलाते हैं। और अभी मैं आपको जो और एक जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ ये है रेज का। तो ये जो इंजन है इसमें देखो क्या क्या सपोर्ट करता है, ये 12 साल पहले ये लॉन्च हुआ था और इसका जो प्लेटफॉर्म है वो देखो मैक ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, प्लेस्टेशन 3, प्लेस्टेशन 4, एक्सबॉक्स 360 और एक्सबॉक्स 1 और वी। और देखो अभी तक देखो इसमें देखो एंड्रॉयड वर्जन नहीं है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक सपोर्ट नहीं करता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो GTA 4 गेम है ये एंड्रॉयड में नहीं आ सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़रूर आ सकता है। क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेज जो इंजन है ये देखो सिर्फ 12 साल में इतना हाई ग्राफिक्स आपको देता है कि GTA 3 से अगर कंपेयर करते हो देखो इसमें देखो 100 गुना ज़्यादा आपको बेहतर आपको ग्राफिक्स मिलता है और गेमिंग एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि देखो अभी अगर आप मोबाइल गेमिंग के ऊपर ध्यान देते हो तो देखो अब देखो सबसे जो ट्रेंडिंग में जो गेम चल रहा है वो है पबजी, और इसी वजह से ये जो पबजी गेम है इसको टक्कर देने के लिए जरूर से जो रॉकस्टार है ये GTA 4 गेम को लॉन्च करेगा। और इसका जो लॉन्च डेट है वो दिसंबर में ही आएगा क्योंकि दिसंबर में इसका एनिवर्सरी है और एनिवर्सरी के दिन ये जो GTA 4 गेम है ये जरूर से आएगा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। और उसी के साथ बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर GTA 4 गेम अगर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में आते तो हमारे फ़ोन तो ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो रेस कंपनी है ये जब भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करेगा तो साथ साथ उसमें सभी ग्राफिक्स और उसका जो इंजन है वो एंड्रॉयड में चलाने के लिए वो लॉन्च करेगा। तो आपका जो मोबाइल है वो अगर 3GB रैम है उसमें ही वो सपोर्ट करेगा और साथ में आपका प्रोसेसर का थोड़ा सा ठीक ठाक चलता है, मतलब हैंग अगर नहीं होता है, लैग अगर नहीं करता मोबाइल, तभी आपके फ़ोन में वो जो GTA 4 गेम है वो स्मूथली वर्क करेगा। सो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया है कि GTA 4 गेम कब आने वाला है, तो ये दिसंबर में आने वाला है और उसी के साथ आपके मिड रेंज फोन में ही ये वर्क करेगा, ये गेम स्मूथली रन करेगा। सो अगर आपको ये सभी GTA 4 का अपडेट अगर पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, सो तब तक के लिए अलविदा।